हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लोहारा कुंभ का नहान जो आज है गली के पास लाइन के तो जाने का किया जा रहा है। परम गीता जी अगर आवाज सुन रही है तो यहाँ पे आ जाइए, आज गली भी इंतजार कर रही है। दोनों तरफ हम आपको इधर चारों तरफ भीड़ लगी हुई है और लोग जा रहे हैं, और ऐसे अगर हम लगे तो शाम हो जाएगा वहाँ तक पहुँचते। इसीलिए दोस्तों हम आपको दिखा दे रहे हैं यहीं से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लोहारा कुंड का नहान जो है, जिनको बच्चा नहीं होता है, जिस लेडीज़ को या फिर एक बच्चे हैं दूसरा नहीं होता है, तो इसके लिए ये लोग इस नहान को नहाते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। तो जिनकी मन्नत पूरी होती है वो भी आते हैं, और जिनका नया होता है, जो कि पहली बार आते हैं, वो लोग भी आते रहते हैं। दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ चिकित्सा के लिए वैन भी खड़ी है, और दोस्तों अब आपको आगे निकलते हैं, काफ़ी भीड़ है दोस्तों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि दोस्तों देख सकते हैं, आपको दिखा दें कि काफ़ी भीड़ है दोस्तों, बहुत ही भीड़ है, कम से कम 10 लाख भीड़ होगी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि पूरी जनता कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बगल से गली है दोस्तों, ये लोलारा कुंड जाने का रास्ता है। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये लाइन लगी हुई है लेडीज़ों की, यहीं से टर्न हो रहे हैं, और बिना लाइन के प्रशासन किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, जाने दे रही है। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये लोग रात से ही, कल शाम से ही लाइन में लगे हुए हैं, देख सकते हैं दोस्तों, कल शाम से ही सभी लोग लाइन में लगे हैं, और ये लाइन लगभग 2 से 1 किलोमीटर लंबी लगी हुई है। हाँ, देख सकते हैं कि जो खो जा रहा है उनके लिए अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं दोस्तों। मंजू जी उनकी बिटिया है, सहायता केंद्र पर इंतजार कर रही है, सुविधा हो रही है, उसके लिए प्रशासन जुड़ी हुई है, किसी को सुविधा ना हो, किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए सबकी हेल्प कर रही है प्रशासन। दोस्तों जो लाइन में अनावश्यक घुस जा रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, इंतजार कर रहे हैं सहायता केंद्र पर, आके मिल लीजिए। दोस्तों काफी सारे औरतें, महिलाएं, बच्चे सभी लोग लाइन में हैं। अरविंद शुक्ला जी इंतजार कर रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि ये काफी धूप लाइन लगी हुई है, और काफी भीड़ है दोस्तों यहाँ पे, जो कि पूजा की सामग्री है दोस्तों, ये सब बेचा जा रहा है। यहाँ की महिलाएं और भी लोग, आदमी लोग जो भी है, लोकल लोग यहाँ के सभी सामान बेच रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सभी लोग बेच रहे हैं, किसी को असुविधा ना हो, सब सामान मिल जाए एक साथ। देख सकते हैं दोस्तों कि ये काफ़ी लंबी लाइन है, आपको दिखा दें, लगभग दोस्तों ये 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग गाड़ियाँ वगैरह सब चीज रोक दिया गया है, सिर्फ लोग पैदल ही आ जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इधर गाड़ियाँ वगैरह आने से पूरा जाम लग जाता है, ये हर साल ऐसा किया जाता है। दोस्तों हम आपको कितनी दूर तक लंबी लाइन दिखाएं, आप देख सकते हैं, हम आपको रुक के दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये लाइन आगे 1 किलोमीटर तक चले जाएंगे, ये हम जा रहे हैं मुमूच भवन से, अरे ये 80 जो नेत्र ज्योति हॉस्पिटल है दोस्तों, ये यहाँ से 80 चौराहे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। हेलो, आपको दिखा दे दोस्तों कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, सबका लाइन लगा हुआ है, देख सकते हैं सभी लोग, माता बहने और भाई लोग आए हुए हैं, इनको पैसा दो, सभी लोग आए हुए हैं दोस्तों, बहुत दूर दूर से आए हैं, बिहार, बलिया, छपरा, जो गाजीपुर, जौनपुर, सब जगह से लोगों, ये सब यूपी के हर कोने से लोग आते रहते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों
काफ़ी भीड़ है दोस्तों, देख सकते हैं इधर कुछ दुकानें भी खुली हुई हैं ताकि लोगों को कुछ खाने पीने की सुविधा। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि हमारा पर्स दिलवाइए, हम लोग सहायता कर रहे हैं कि हम लोग पर्स दिलवाएंगे। हम उसको बार बार बोल रहे हैं कि अपना इतना बड़ा बड़ा बैग बताइए, स्टेशन जाना है कि स्नान करने आएंगे। यहाँ किसी का पर्स खो गया है, इतना बड़ा बड़ा बैग लेके कहाँ जाएंगे आप? उसकी वजह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और उनके उनकी मदद के लिए यहाँ पे लोग लगे हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी लंबी लाइन है, हम दिखाते दिखाते थक जाएंगे और आप देखते देखते थक जाएंगे दोस्तों। पूरी अगर चारों तरफ के मैं वीडियो बनाऊं तो दोस्तों कम से कम घंटे एक घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनेगी दोस्तों, इसीलिए दोस्तों जितना हो सकता है उतना मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हम 80 चौराहे पर आ चुके हैं दोस्तों, ये 80 चौराहे दोस्तों, जो कि इधर दो तरफ से लोग आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। एक मुमुज भवन की तरफ से लोग आ रहे हैं और एक 80 जो गोपी राधा स्कूल है दोस्तों, उधर से लोग आ रहे हैं। ये जो अभय सिनेमा पहले था, इस गली में से भी लोग आ रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारी भीड़ है, यहाँ भी पूरा बैरिकेड लगाया गया है, यहाँ भी प्रशासन लगी हुई है ताकि किसी को असुविधा ना हो दोस्तों। काफ़ी दूर में भी है दोस्तों, हम गली में नहीं जा सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक आपको दिखा देते हैं, काफ़ी भीड़ है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर भी, इधर से भी लाइन लगी और इधर से भी लगी है और इधर से भी लगी है दोस्तों। दोस्तों इधर तीन तरफ से लाइन लगी हुई है और उधर दोस्तों सोनारपुरा की तरफ जाएं तो दोस्तों उधर से भी लाइन लगी हुई है, बहुत सारी लाइनें आप देख सकते हैं। ये हम 80 चौराहे पर खड़े हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं बोर्ड है जो कि हरिश्चंद घाट, दशाश्वमेध घाट भी जा सकते जाता है और 80 घाट के लिए भी है, रविदास पार्क के लिए भी दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी प्रशासन लगी हुई है दोस्तों, किसी को सुविधा नहीं हो रही है और कोई ज़बरदस्ती घुसने की भी कोशिश कर रहा है तो उसे प्रशासन द्वारा हटा दिया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ के लोग और प्रशासन पूरी तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ऐसा साल में एक बार होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ पूजा पाठ के सामान की दुकान भी खुली हुई है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ दुकान खुली हुई है और यहाँ लोग लाइन में लगे हुए हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।